देश के ऑटो सेक्टर की नामी कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा युवाओं को रोजगार देने के मकसद से आईटीआई मंडी में युवाओं के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें चयनित होने वाले युवाओं को मारुति सुजुकी द्वारा स्मार्ट स्किल का 2 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को इन कंपनी द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मारुति सुजुकी द्वारा 10वीं पास युवाओं के लिए ये इंटरव्यू आयोजित किए गए थे और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले युवाओं के इंटरव्यू लिए गए। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी पिछले 4 वर्षों से आईटीआई मंडी के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे चुकी है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने इस इंटरव्यू के लिए मंडी आईटीआई का चयन करने के लिए मारुति सुजुकी प्रबंधन का आभार प्रकट किया। भारत सरकार द्वारा संचालित क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में जो है एक जो स्मार्ट स्किल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्हें भी केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत अपना सहभागी पार्टनर बनाया है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि मारुति सुजुकी ने आईटीआई मंडी को इस स्कीम के तहत जो प्रशिक्षु उन्होंने प्रशिक्षित करने हैं उनके चयन के लिए मंडी आईटीआई को उन्होंने सेंटर बनाया है पूरे हिमाचल में। और पिछले 3-4 सालों से हर साल काफी बच्चों को यहां से ले जाकर वहां अपने प्लांट में प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षण के बाद वो जो प्रशिक्षु हैं आज अच्छे रोजगार जो है उसमें लगे हुए हैं। उसी के तहत 12 तारीख को यहाँ इनका एक दल वहां से आया है जो कि स्मार्ट स्किल की ओर से है। इनका हेडक्वार्टर वहां हल्द्वानी में है, मिस्टर हेमकांत पांडे जी, बड़ा इनसे खुशी है। हमने पिछले 4 सालों से यही इन्हीं की अगुवाई में आईटीआई मंडी में इनका दल आता है और लास्ट टाइम अभी 4 महीने पहले ही जो है 180 लोगों को हाईएस्ट जो रेशो रहा आज तक, जैसा उन्होंने बताया, पूरे देश में सबसे ज्यादा यहीं से 180 बच्चे एक टाइम में 4 महीने पहले ले गए थे। और अभी फिर से 12 तारीख से यहाँ ये लोग आए हुए हैं और इंटरव्यू का तो जारी है 12 से। पिछले कल जो है रिटर्न टेस्ट की प्रक्रिया हुई थी जिसमें 300 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और आज जो है 13 तारीख को पर्सनल इंटरव्यू का दौर जारी है। और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह अब की बार भी भारी संख्या में यहां से चुने जाएंगे। इन प्रशिक्षुओं को जो है बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण मारुति सुजुकी कंपनी के प्लांट में दिया जाता है। साथ में इनको 11,278 रुपए पहले महीने से ही स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है जो कि पूरे 24 महीने इनको मिलेगा। 24 महीने के बाद इनको आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है एनसीबीटी का कंपनी द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग वही प्लांट में करवाई जाएगी। यानी कि यह 3 साल का कार्यक्रम है। उस 3 साल के बाद भी जो है रोजगार अगर जो लड़के अच्छे वहां कार्य करते हैं उनको कंपनी में भी रोजगार मिल सकता है मारुति में, या उस सर्टिफिकेट को लेके वो भारत या 160 कंट्रियों में यह एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दी है 160 से भी ज्यादा कंट्रियों ने, तो वहां जाके भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 10वीं पास की हो या 12 तक पढ़ी हो। इस स्कीम का जो मोटो है, उद्देश्य है, वो यह है कि जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए, आर्थिक कारणों के कारण या किसी किन्हीं और कारणवश, उनको स्किल किया जाए और स्किल होके हो आत्मनिर्भर बने और अच्छा रोजगार प्राप्त करे, यही इस स्कीम का जो है उद्देश्य है।